सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम जय सीता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री रामेश्वरनाथ भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बद्रीनाथ भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। कामदनाथ भगवान की जय। नृसिंहदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्तौर भगवान की जय। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमाराध्य स्वयं प्रभु श्री सीतानाथ भगवान एवं श्री सीतानाथ जी के अभिन्न श्री रामेश्वरनाथ भगवान के श्री चरणारविंदों में अनंत कोट साष्टांग प्रणिपात करते हुए उन्हीं के धाम में विराजकर उन्हीं की प्रेरणा से उन्हीं की कृपा से यह दिव्य राम कथा का सत्संग दिव्य राम कथा का आयोजन आप सब सुधीय जनों को भक्त जनों को श्रद्धालु जनों को सुलभ हो रहा है। अभी इस मंच पर बड़ी सुंदर दिव्य भावमयी भूमिका में भारत की सुप्रसिद्ध विदुषी साध्वी अमृतानंदमयी मानस समीक्षा जी के द्वारा आप शिवचरित्र श्रवण कर रहे थे। ये शिव धाम ही है। भगवान राम के ईश्वर यहां विराजते हैं श्री रामेश्वर जी। भगवान राम ने ईश्वर के रूप में अगर किसी को माना है तो रामेश्वर भगवान को ही माना है। लेकिन रामेश्वर भगवान की ऐसी मान्यता है कि मेरा अगर कोई ईश्वर है तो वो राम है, राम जी की मान्यता है मेरा कोई ईश्वर है तो वो रामेश्वर अथवा भगवान शिव है। इससे सिद्ध होता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अभिन्न हैं। शिव के बिना श्री राम नहीं रह सकते हैं, राम जी के बिना शिव नहीं रह सकते हैं। शिव के बारे में अगर जानना चाहें आप तो शिव समत्व के देवता हैं। अगर समत्व का साम्राज्य इस धरित्री पर स्थापित करना है तो भगवान शिव की समीपता शिव का सामीप्य होना आना अनिवार्य है, आवश्यक है, अति आवश्यक है। आप कहोगे अनिवार्य है, आवश्यक है, अति आवश्यक है, ऐसा क्यों? इसलिए अगर आप राम भक्त हैं तो आपको शिव भक्त होना पड़ेगा। आप अगर शिव भक्त हैं तो आपको राम भक्त होना ही पड़ेगा। शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। भगवान राम कहते हैं बिना शिव की भक्ति के
बिना शिव के भजन के कोई भी संसार का प्राणी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि शिव भक्ति करना बहुत आवश्यक है। हमारे गुप्ता जी ने स्वनाम धन, क्या नाम है भाई आपका, संतोष कुमार जी, श्री संतोष कुमार गुप्ता जी ने श्री रामेश्वर धाम में श्री राम कथा का दिव्य आयोजन कराकर आप सभी जितने भी भक्त वृंद बैठे हैं, जो सपरिवार पधारे हुए हैं, उन सबको एक दिव्यात दिव्य पुण्य से लाभान्वित कराया है। पुण्य तो आपको घर में भी प्राप्त हो सकता था, लेकिन आप रामेश्वर धाम में आकर विशेष पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। तो तीर्थ में आकर क्या विशेष पुण्य प्राप्त किया जाता है? हां प्यारे, इसलिए कि जाने में जो पाप हो जाते हैं कि हमने जाना कि ये हमसे पाप हुआ, तो जाने हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए हम घर में उपाय कर लेते हैं। हमने कोई अनुष्ठान करा दिया या मंदिर में जाके प्राश्चित कर लिया, तो हम समीप में जाते हैं किसी मठ मंदिर के, वहां प्राश्चित कर लेते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करा देते हैं, घर में श्रीमद् भागवत या राम कथा करा देते हैं, ये सोचते हैं कि भाई हमसे ये पाप हो गया। और इसकी भी जानकारी हम दे देते हैं कि देखो हमारे द्वारा ये पाप हुआ, इसलिए हमने प्राश्चित किया है, अपने घर में ये आयोजन करके, धार्मिक आयोजन करके ये प्राश्चित किया है, जिससे लोग भी जान जाएं कि हाँ इन्होंने प्राश्चित किया है। लेकिन प्यारे, जाने में और अनजाने में जो पाप होते हैं, यहाँ डबल लाभ है भाई। अनजाने में जो पाप हुआ उसकी जानकारी आपको नहीं है कि अनजाने में हमने क्या पाप किया, लेकिन जाने में अनजाने में जो भी पाप हमारे जीवन में हो जाते हैं, उन पापों का प्रायश्चित जैसे ही हम तीर्थ में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करते ही जाने अनजाने के पापों से हमें छुटकारा मिल जाता है प्यारे। और जो हम वहां धार्मिक अनुष्ठान में अपनी सहभागिता दर्ज कराते हैं, उस धार्मिक अनुष्ठान में हमारी जो सहभागिता हुई है, उससे जो पुण्य अर्जित हमने किया है, उस पुण्य के प्रभाव से केवल मेरा ही अकेला कल्याण नहीं होता है, मेरी सात पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, सात पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। इसलिए तीर्थ में कथा सुनना अथवा कथा करवाना, कथा में उपस्थिति दर्ज कराना और अनुराग पूर्वक श्रवण करना पूरे मनोयोग से, ये जीवन की बहुत बड़ी सार्थकता है। और इससे हमारी कई पीढ़ियों का कल्याण होगा। जितने अमंगल ग्रह हैं, वो संपूर्ण अमंगल ग्रहों को दूर करने के लिए फिर अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, स्वयं रामेश्वर भगवान की जिम्मेदारी है कि वही सारे अमंगल अब हमारे दूर करेंगे। योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब तो हमने संपूर्ण जिम्मेवारी किसके ऊपर छोड़ दी है? रामेश्वर भगवान के ऊपर। ये रामेश्वर नाथ भगवान जो विराजमान, बहुत बड़ा पुण्य आपने अर्जित किया है। चार धामों में विशेष धाम का दर्जा प्राप्त हुआ है रामेश्वर धाम को, ये साधारण धाम नहीं है। भगवान राम को भी अगर विजय मिली है, तो विजय भगवान राम स्वयं कहते हैं कि मेरे बल से मुझे विजय नहीं मिली, मैंने राक्षसों को जो मारा है वो अपने बल से नहीं मारा, फिर भगवान शिव की कृपा से मारा है, और वो रामेश्वर नाथ भगवान है और कोई दूसरा नहीं। रामेश्वर नाथ भगवान की कृपा से मैंने लंका के राक्षसों को मारने की ताकत हासिल की है। सबसे पहले तो भगवान शिव का ही अभिषेक किया यहाँ स्थापन करके, और फिर आगे की यात्रा प्रारंभ की लंका के सम्रांगण में,
जो भी सफलता मिल रही है वो सारी सफलता की जिम्मेवारी किसने संभाली, जल्दी बोलो। श्री रामेश्वर नाथ भगवान ने। एक बात आपको बतावें, लंका में जो राक्षस रहते थे उन राक्षसों को मारने के लिए, उनके संहार के लिए रामेश्वर नाथ भगवान की स्थापना की गई और इनका अभिषेक किया गया, इनका अर्चन वंदन किया गया और इनसे संपूर्ण शक्ति अर्जित की, अर्थात लंका के विजय के क्रम में संपूर्ण जिम्मेवारी रामेश्वर नाथ भगवान को दे दी गई भगवान राम ने। लेकिन आपके जीवन में भी तो कुछ राक्षस हैं जो आपको परेशान करते हैं। बहिरंग दृष्टि से आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं, वो भी राक्षस से कम नहीं। आप यदि अधिकारी हैं तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बाधा पहुंचा रहे हैं, बोलो भाई, वो भी एक राक्षस ही हैं, बोलो हैं कि नहीं। आप यदि राजनेता हैं तो निश्चित रूप से वो आपके राजनीतिक प्रभाव को कम करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना लगा रहे हैं, वो भी तो राक्षस ही हैं। आप यदि भक्त हैं तो आपकी भक्ति में भी वो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ये बहिरंग राक्षस।